हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड EC1 जो है स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, इसके एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय यूनिट 4 से इंटरनल क्रिटिसिज्म, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक आलोचना अथवा उच्च स्तरीय आलोचना। तो आंतरिक आलोचना क्या है और इसके क्या क्या विधियां हैं, इसके द्वारा किन किन समस्याओं का निराकरण होता है, हम आज इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार हमने पिछले क्लास में देखा कि बाह्य आलोचना द्वारा शोधकर्ता ऐतिहासिक शोध तथा लेखक की विश्वसनीयता को सिद्ध करने का प्रयास करता है, जब वह अपने इस प्रयास में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक स्रोत कब, कहाँ और क्यों लिखा गया है, तथा यह सब जानकारी हासिल करने के बाद शोधार्थी का जो लक्ष्य है वह बाह्य आलोचना का जो भूमिका होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद शोधार्थी आंतरिक आलोचना या कह सकते हैं इसे हम उच्च स्तरीय आलोचना के माध्यम से उस लेखक के कथन की विश्वसनीयता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। विश्लेषण तथा व्याख्या की प्रक्रिया का स्वरूप पूर्ण रूप से मानसिक होता है। इसके माध्यम से इतिहासकार को सिद्ध करना है। मूल लेखक के कथन ही शोधकर्ता की ऐतिहासिक सामग्री होते हैं। यदि किसी इसका स्वरूप उच्च कोटि का नहीं है तो इतिहासकार का रचनात्मक कार्य निम्न कोटि का होगा। ऐतिहासिक निर्माण कार्य के लिए निर्माता को सामग्री ईंट, सीमेंट, लोहा तथा पत्थर इत्यादि की तरह होती है। इनकी शुद्धता से ही अच्छे भवन का निर्माण संभव होता है। ठीक उसी प्रकार का स्थिति हम ऐतिहासिक शोधों में भी देखते हैं। आधुनिक शोधकर्ता का उद्देश्य इस सामग्री से विश्वविख्यात ताजमहल जैसी कृति का निर्माण करना है। आंतरिक आलोचना विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है, क्योंकि अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्य द्वेष तथा पक्षपातपूर्ण होते हैं। प्रायः दरबारी इतिहासकारों की रचनाएं निष्पक्ष न होकर पक्षपातपूर्ण होती है। जैसे हमने आपको बताया अबुल फजल के बारे में कि वह दरबारी कवि था अकबर का, तो वह कभी भी चाटुकारिता करेगा, वो कभी भी आलोचना नहीं करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत में जब हम बदायूनी का उदाहरण देखते हैं तो बदायूनी अकबर का समकालीन था, लेकिन वह कट्टर इस्लामिक था और इस कारण से वह अकबर की धार्मिक उदारता को दोष मानते हुए उसने अकबर की भरपूर आलोचना की। तो इस प्रकार जो इतिहासकारों का जो स्वर होता है वह उनके निष्पक्ष नहीं होते हैं, वह पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। वानभट्ट तथा अबुल फजल की रचनाओं से इसी प्रकार के अनेक तथ्य वर्णित हैं। इस प्रकार आधुनिक शोधकर्ता की कथन की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए इतिहास लेखन में व्यक्तिगत तत्वों के प्रभाव की विधिवत शोध करनी चाहिए। ब्रिटिश प्रशासकों तथा सैनिक अधिकारियों की ऐतिहासिक कृतियों का मुख्य अभिप्राय ब्रिटिश शासन की उपादेयता को सिद्ध करना था। ऐसी परिस्थिति में आधुनिक शोधकर्ता को उन तथ्यों को यथावत स्वीकार न कर प्रत्येक वाक्यों की यथार्थता अर्थात एक्यूरेसी को सिद्ध करना चाहिए, तभी जाकर उच्च स्तरीय आलोचना का यही उद्देश्य है। अब हम उच्च स्तरीय आलोचना या आंतरिक आलोचना की विधियों को देखेंगे। इसके मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती हैं। एक होती है सकारात्मक आलोचना, जिसे हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, और एक होती है नकारात्मक आलोचना, जिसे हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सकारात्मक आलोचना पर प्रकाश डालेंगे। सकारात्मक आलोचना के लिए ज्ञान आवश्यक है। प्रायः ऐतिहासिक स्रोत का मूल लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति ऐसे वाक्यों के माध्यम से करता है जिनका शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ से भिन्न होता है। तो शोधकर्ता को इसी वास्तविक अर्थ को पहचानना है, उसे तलाशना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मैकबेथ ने गंभीर अपराध की अभिव्यक्ति के लिए
शेक्सपियर ने लिखा था, मैकबेथ उसकी रचना थी शेक्सपियर की, उसमें उसने बताया था कि अरेबिया के सभी सुगंधित तत्व उसके छोटे हाथों की मधुयुक्त नहीं बना सकते। कहने का तात्पर्य है कि अगर इतिहासकार कुछ कहता है या उसने कुछ लिखा है तो उसका वास्तविक अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जब शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में मार्क एंटोनी ने ब्रूटस के लिए माननीय शब्द संबोधित किया था तो उसका अभिप्राय जो था वो व्यंग्यात्मक था, शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ से बिल्कुल भिन्न था। एंटोनी का अभिप्राय प्रतिष्ठा सूचक माननीय शब्द नहीं था बल्कि वह निंदा सूचक रहा था। ठीक है, तो चलिए, प्रायः मूल लेखक अपने युग की भाषा रीति रिवाज के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति करता है, विशेष शब्दों द्वारा वह वास्तविक शब्द को व्यक्त करता है। मूल लेखकों की कृतियों में शाब्दिक अर्थ से भिन्न वास्तविक अर्थ होते हैं। यासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने मात्र इतना ही उल्लेख किया था कि आकाश से उल्कापात तथा ईश्वर सत्य जानता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि आकाश से उल्कापात के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि बरनी ग्यासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु संबंधी सुनियोजित षड्यंत्र में उलुग खा की भूमिका को छिपाना चाहता था। अतः बरनी घटना पर विशेष प्रभाव न डालकर मात्र आकाश से उल्कापात कहकर संतुष्ट हो जाता है। अंत में वाक्यांश का एक पंक्ति अल्लाह सत्य जानता है घटना का रहस्य उद्घाटन करने के लिए शोधकर्ता को सोचने पर विवश करती है। इसी प्रकार मध्ययुगीन चित्रों में बिस्तर पर लेटे हुए शासक के सिर पर मुकुट चित्रित किया गया है। इसका संकेत शासक को जन साधारण से अलग दिखाना है। जब रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु वह सर्वत्र बंधन युक्त है, उसके कथन का प्रमुख अभिप्राय मनुष्यों को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बंधनों से युक्त सिद्ध करना था। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कुछ समय के पश्चात राज्य का अंत हो जाएगा तथा वर्गहीन समाज के लिए राज्य प्रशासन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा गया तो इसका अभिप्राय उनकी बहादुरी का उल्लेख करना था। अतः इन सब उदाहरणों से हम देखते हैं कि सकारात्मक आलोचना का उद्देश्य वाक्यों के वास्तविक अर्थ की गवेषणा अर्थात शोध करना है, क्योंकि वास्तविक भावना का संप्रेषण ही मूल लेखक का उद्देश्य होता है, अर्थात वह जो बातें कही जाती हैं वह इतर होती हैं, वह उदाहरणों के फ्रेजेस के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः मूल लेखक परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण भी अपनी वास्तविक भावना की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। इस बात को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि कोई भी दरबारी कवि होगा तो वो अपने शासक या संरक्षक की आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके द्वारा अगर उसकी आलोचना की जाएगी तो उसे भय होगा कि इसके लिए उसको सजा या दंड दिया जा सकता है। इसके लिए पांडुलिपियों का गहन अध्ययन तथा उसकी भाषा को ज्ञान शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है। सकारात्मक आलोचना का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है, इसलिए शोधकर्ता का निष्कर्ष निश्चयात्मक होना चाहिए। इस आलोचना के सिद्धांत की दीक्षा नहीं दी जा सकती। यह एक प्रकार की कला है जिसके लिए शोधकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिभा आवश्यक होती है। फिर भी सकारात्मक आलोचना विधा युक्त है। इसकी प्रमुख विशेषता प्रत्येक वाक्य को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखना है। आधुनिक शोधकर्ता के लिए आलोचना की विधाओं का ज्ञान आवश्यक है। इस तरह से हमने देखा
कि सकारात्मक आलोचना में प्रत्येक कथन जो इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं उन कथनों को एनालिसिस करके उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी विधा जो है नकारात्मक आलोचना। नकारात्मक आलोचना जिसे हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, वैज्ञानिकों की अवधारणा है कि यथार्थता यानी एक्यूरेसी की प्राप्ति के लिए प्रत्येक तथ्य का संदेहपूर्ण दृष्टि से अवलोकन करना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रश्नों द्वारा ही वैज्ञानिक यथार्थता की प्राप्ति में सफल हो पाई जा सकती है। वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए संदेह तथा प्रश्नों को ऐतिहासिक शोध के लिए अनिवार्य बताया है। ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता, मूल लेखक के अभिप्राय की जानकारी के पश्चात शोधकर्ता ऐतिहासिक शोध के प्रत्येक वाक्य को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखता है। तर्क वितर्क तथा प्रश्नों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की यथार्थता को सिद्ध करता है। ऐतिहासिक गवेषणा की सर्वोत्तम विधि प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना है। संदेह इतिहासकार के प्रश्न के लिए बाध्य, विवश और प्रेरित करता है। मूल लेखक की संदिग्धता के कुछ आधारभूत कारण होते हैं। वानभट्ट, अबुल फजल बदायनी, जियाउद्दीन बरनी का कथन परिस्थिति जन्य माना जा सकता है। उनका कथन पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं था। धर्म जाति के कारण भी इतिहासकार का कथन संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। गिबन, कार्ल मार्क्स, वर्क टाइनबी के विशेष दृष्टिकोण से अतीत की घटनाओं का निरूपण किया है, अतः उनका कथन भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। आधुनिक शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इतिहासकार के कथन के व्याख्यात्मक विश्लेषण में उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखे और नकारात्मक आलोचना की यही अभिप्राय मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक आलोचनाओं के माध्यम से किन किन चीजों का परीक्षण संभव है और इसके माध्यम से क्या क्या चीजों को फाइंड आउट या खोजा जाता है। शोधकर्ता का उद्देश्य उन परिस्थितिजन्य परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना है जिसमें मूल लेखक को घटना का वर्णन करना पड़ा है। विशेष परिस्थितियों के कारण लेखक का कथन अविश्वसनीय हो सकता है। प्रायः घटना के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकारों का यथार्थ वर्णन नहीं किया है। विज्ञान की भांति इतिहास में भी विश्वसनीय निरीक्षण आवश्यक होता है। आधुनिक युग के प्रायोगिक मनोविज्ञान ने इतिहासकारों के शोध के नवीनतम उपादान प्रस्तुत किए हैं। विशेष परिस्थिति में मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी किसी न्यायालय में बयान दे कि उसने अंधेरे में एक व्यक्ति को लाल टोपी देखी परंतु नीले कोट को नहीं देखा तो उसका बयान गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रायोगिक मनोविज्ञान की विधि से यह सिद्ध कर दिया गया है कि अंधेरे में लाल रंग की अपेक्षा नीला रंग स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार शोधकर्ता के लिए मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है। सम्राट अकबर की मुगल सेना ने खानदेश में असीरगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। अबुल फजल घटना का प्रत्यक्ष दर्शी था। विजय के कारण का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि महामारी के कारण विजय कार्य सरल हो गया, परंतु पुर्तगाली प्रत्यक्षदर्शी जेवियर के अनुसार मुगल सेनापति ने किले के रक्षक को घूस देकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अबुल फजल ने अकबर के चरित्र को कलंक से बचाने के लिए यथार्थता को छिपाया। राजा भगवान दास ने कश्मीर के सुल्तान को सुरक्षा का आश्वासन दिया, परंतु राजा सम्राट अकबर ने उसे बंदीगृह में डाल दिया तो भगवान दास ने आत्महत्या का प्रयास किया। अबुल फजल घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। यथार्थता को छिपाने के लिए उसने लिखा कि मानसिक संतुलन ना होने, विक्षिप्त होने के कारण
भगवान दास ने आत्महत्या का प्रयास किया। इसी प्रकार बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है, अतः इस प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार का कथन भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि सभी लोग पक्षपातपूर्ण तरीके से व्याख्या करते हैं। जहां अबुल फजल चाटुकारिता का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर बदायूं उसका दरबारी कवि ना होने के कारण वह उसकी सर्वत्र आलोचना ही करता है, तो यह सत्य नहीं माना जा सकता। नकारात्मक आलोचना द्वारा शोधकर्ता को यह पता लगाना चाहिए कि किन परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के संबंध में यथार्थ विवरण नहीं दिए। प्रायः प्रत्यक्षदर्शी की भावनाएं तथा व्यक्तिगत विचार उसके निष्पक्ष विवरण में बाधक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार का कथन किया आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तथ्यों की पुष्टि अन्य स्रोतों से करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्यक्षदर्शी भी घटना को अपनी आंखों से देखकर भी यथार्थता को नहीं लिखता है। जॉनसन ने कहा है कि अनेक इतिहासकार प्रत्यक्षदर्शी की भावुक तथा बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किए बिना ही उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। वर्साय की संधि की शर्तों का स्पष्ट ज्ञान न होते हुए भी संवाददाताओं ने संधि की शर्तों को प्रकाशित कर दिया, जो तथ्य से बिल्कुल भिन्न थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कथन यद्यपि संदेहास्पद होता है, फिर भी इसे नकारात्मक गवेषणा का केंद्र बिंदु स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह से ऐतिहासिक स्रोतों में कुछ अफवाह संबंधी भी तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक शोधकर्ताओं को ऐसे तथ्यों को इतिहास लेखन में स्थान नहीं देना चाहिए। हेनरी वार्ड बीचर ने सीनेटर पॉमराय को लिखा कि उसने राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में एक स्त्री को भी रखा था। इतिहासकार को अपनी गवेषणा में इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जॉनसन के मित्र ने जब इस तथ्य का स्पष्टीकरण मांगा तो बीचर ने मात्र इतना ही कहा कि राष्ट्रपति का पुत्र रॉबर्ट जॉनसन शराब के नशे में था, अतः उसने सोच लिया कि दामाद भी शराब के नशे में होगा। महान व्यक्तियों के संबंध में इस प्रकार के अफवाहों का प्रचलन प्रायः होता रहता है। इस प्रकार हम जॉन मथाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में अनेक ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया है जो अविश्वसनीय तथा तथ्यों से परे हैं। इस प्रकार तथ्य ऐतिहासिक शोध की समस्या है, जिसका समाधान इतिहासकार को नकारात्मक आलोचना विधि से करना चाहिए। साथ ही साथ हम पाते हैं कि विश्वसनीय ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में प्रायः शोधकर्ता अपनी कहानी को सरल, सुबोध तथा रुचिकर बनाने के लिए किंवदंतियों को तथ्य मान लेते हैं, परंतु ऐतिहासिक गवेषणा में ऐसे तथ्यों को स्थान नहीं देना चाहिए। सम्राट हुमायूं द्वारा गौड़ के किले में एक अफगान स्त्री के प्रति आकर्षण ऐतिहासिक तथ्य नहीं अपितु एक किंवदंती है। सम्राट अकबर तथा बीरबल संबंधी अनेक किंवदंतियां ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा का चरित्र तथा शारीरिक शक्ति के विषय में अनेक किंवदंतियों का प्रचलन है। मंगोल के संबंध में अमीर खुसरो का कथन यथार्थ नहीं अपितु किंवदंतियां हैं। नकारात्मक आलोचना विधि से ऐसी किंवदंतियों का पर्दाफाश करना चाहिए। इतिहास में अलौकिक और दैवीय शक्तियों का हस्तक्षेप यथार्थ नहीं अपितु कल्पना होती है, ऐसे तत्वों को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों का कथन यथार्थ से भिन्न हो सकता है। यह वास्तविकता को जान सकता है, परंतु उसका उल्लेख नहीं करता। कुछ विशेष प्रभावों के कारण प्रत्यक्षदर्शी भी यथार्थ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वानभट्ट, अबुल फजल और बदायूं की कृतियों में इसी प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। ऐसे इतिहासकारों के कथन की पुष्टि अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से करनी चाहिए। गवेषणा विधि के द्वारा इतिहासकार की भावना तथा उसके कथन की विश्वसनीयता सिद्ध करनी आवश्यक होती है। सामाजिक वातावरण
इतिहासकार के लिए यथार्थ तथ्यों के उल्लेख में बाधक होता है। बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना भाव आवेश में आकर की। जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, लड़कियों का वध आदि सामाजिक कुरीतियां थी, परंतु सामाजिक आक्रोश के भय से अनेक इतिहासकारों ने इन कुरीतियों की आलोचना नहीं की। व्यक्तिगत रुचि के कारण इतिहासकारों ने घटना तथा व्यक्ति की निंदा तथा प्रशंसा की है। गिबन ने चर्च व्यवस्था को रोम साम्राज्य के पतन का कारण बताया। उसी प्रकार इतिहासकारों ने अशोक तथा अकबर की प्रशंसा की, औरंगजेब की निंदा इतिहासकारों ने व्यक्तिगत रुचि के अनुसार किया। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशंसकों ने उसमें कोई दोष अथवा अवगुण को नहीं देखा। राष्ट्रवादी ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए रॉबर्ट क्लाइव एक वीर योद्धा था, जिसने ब्रिटिश जनता के लिए साम्राज्य की वृद्धि की, परंतु वहीं भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से वह एक लुटेरा माना गया। अतः ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि की अतः ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि की परंतु भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से वह एक लुटेरा था। अतः ब्रिटिश तथा भारतीय इतिहासकारों ने उसका ऐतिहासिक परिवेश में उचित मूल्यांकन नहीं किया। प्रायः व्यक्तिगत गर्व के कारण कुछ व्यक्ति घटना का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। चार्ल्स नवम ने सेंट बार्थोलोम्यू की नृशंस हत्या का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, जबकि उस घटना का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। इस्लाम धर्म में दूसरे धर्मावलंबियों के दमन का कोई औचित्य नहीं है, परंतु मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भावावेश में सुल्तानों द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करने की अनावश्यक प्रशंसा की है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थकों द्वारा किसी घटना का उल्लेख किया जाता है। कोलोन जैसे इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद की उपादेयता को सिद्ध किया है, परंतु यह इतिहासकार का गुण नहीं अपितु एक दोष है। लेनपुल ने मध्ययुगीन इतिहास को शासकों तथा मंत्रियों का इतिहास कहा है, यह सर्वसाधारण का इतिहास नहीं है। इस प्रकार का उल्लेख एक भ्रांति है, यथार्थ तथ्य नहीं। भारत में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश इतिहासकारों की दृष्टि में वरदान स्वरूप था, परंतु भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि में यह एक अभिशाप था। साहित्यिक भाषा में यथातथ्य का उल्लेख कठिन हो जाता है। हेरोडोटस, टेसिटस तथा पुनर्जागरण काल के इतिहासकारों ने अपनी साहित्यिक शैली के माध्यम से घटनाओं को अतिरंजित किया है। वानभट्ट, कलहन, अमीर खुसरो तथा अबुल फजल की रचनाएं साहित्यिक सात्वावली से ओतप्रोत है। हॉकेट के अनुसार यदि इतिहास यथातथ्य नहीं है तो उसका अध्ययन नहीं होगा। जेम्स मिल ने उपयोगिता दृष्टिकोण से अतीतकालीन घटनाओं का अवलोकन किया है। इस प्रकार उनकी कृति हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोषपूर्ण है। वक्कल, काम्टे तथा कार्ल मार्क्स ने भी अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत का मूल्यांकन किया है। इसी प्रकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से स्पेंगलर और टाइनबी की रचनाओं को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि ऐतिहासिक शोध के दोष होते हैं और गुण नहीं। इन तथ्यों की विश्वसनीयता का परीक्षण आधुनिक शोधकर्ता को करना चाहिए। इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे प्रत्येक कथन का संदेहपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। नकारात्मक आलोचना के माध्यम से प्रत्येक कथन की विश्वसनीयता तथा यथार्थता की सिद्धि शोधकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। तो हमने इस विषय के अंतर्गत देखा कि इतिहास की रचना अथवा शोध कार्य हेतु हमें बाह्य आलोचना के साथ साथ आंतरिक आलोचना भी करनी पड़ती है, जिसे हम उच्च स्तरीय आलोचना कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विधियाँ। सकारात्मक विधियाँ उस कथन जो भी इतिहासकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उसकी सकारात्मक रूप से उसका खोज की जाती है, जबकि दूसरी जो नकारात्मक आलोचनात्मक विधि है उसके माध्यम से हर कथन को संदेह की दृष्टि में रखकर उनके कथनों का जांचा परखा जाता है और उनकी स्थितियों को, उनके परिस्थितियों, उनके
हालातों का जायजा लेकर उसको समझने का प्रयत्न किया जाता है कि वो कथन सही है या नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। हम फिर अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।